गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हमने जो कल जो एक्सरसाइज की थी वो 2.1 की थी, जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड्स के द्वारा नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट किए थे। आज हम किसी भी जो पॉलीनोमियल दिया हुआ है उसके नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में हम जो है क्या, कोई भी जब नंबर ऑफ जीरोज हमें दिए हुए होते हैं तो उसे पॉलीनोमियल कैसे बनाते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर वन की बात करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। हमारी जो इक्वेशन दी हुई है वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 8। नाउ फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल, क्लियर है। अब इसके जो फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 8 मिडिल टर्म स्प्लिट से, 8 के जो फैक्टर आएंगे वो 4 टू जा 8, यानी कि 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 आ गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8, क्लियर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2x हो गया और माइनस 8। अब यहां पे जो फर्स्ट टू है उनमें से जो कॉमन क्या आ रहा है और जो लास्ट के टू है उसमें से क्या कॉमन आएगा, तो जो फर्स्ट के टू टर्म्स है उनमें से कॉमन आ रहा है हमारा x, तो यहां पे क्या बच गया हमारे पास में x और यहां से 4। ऐसे जो लास्ट के जो टर्म्स है, जो हमारे दो टर्म्स है इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो 2 आ गया, x माइनस 4। फिर यहां से x माइनस 4 यहां भी है और x माइनस 4 यहां भी है, इन दोनों में से क्या कॉमन आया x माइनस 4, क्लियर। तो ये आ गया x माइनस 2 और x माइनस 4। अब हमें क्या करना है, इसके नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 2 किसके इक्वल रख दिया, 0 के। जब x प्लस 2 इक्वल 0 हो गया तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 2। सिमिलरली इफ x माइनस 4 जो है 0 के इक्वल आ गया, देन x इज इक्वल टू 4। देयरफॉर इट शुड बी टू जीरोज आर माइनस 2 एंड 4। तो इसके दो जीरोज हमारे क्या आ गया, मिल गए, एक तो माइनस का 2 आ गया और दूसरा जो जीरोज आ गया वो कितना है, 4 है। अब हमें किसे क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस वी टेक अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2। हमने दो वेरिएबल ले लिए अल्फा और बीटा, और जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी आ गई, माइनस का 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। नाउ सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा के प्लेस पे क्या रख दिया, माइनस का 2, और बीटा के प्लेस पे क्या रख दिया, प्लस का 4। अब 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 आ गया। एंड माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशियंट जो एक्स है, एक्स का जो कोफिशियंट है वो कितना है, यहां से माइनस का 2, एक तो माइनस ही है, माइनस 2 आ गया। एक्स का कोफिशियंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, यहां पे 1, तो माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल कितना हो गया, 2 आ गया, क्लियर। सो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हो गया माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया हमारे अल्फा इंटू बीटा, क्लियर। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 2 एंड 4 इक्वल हो गया माइनस का 8 एंड कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां से क्वेश्चन से जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो कितनी है, माइनस का 8 अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 1, और ये इक्वल हो गया माइनस 8, क्लियर। अब यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी माइनस 8 है एंड कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये भी माइनस 8 है। अब ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। हेंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करने की प्रयास करेंगे। अब इसका हम अगला पार्ट ले लेते हैं क्वेश्चन का। अब हम एनसीईआरटी की बुक जो है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये लिखा हुआ है 6x² - 3 - 7x, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो ये इक्वल आ गया, ये हो गया हमारे पास में 6x² - 7x - 3, ठीक है। तो हमारे क्या आ गया, सबसे पहले हमें तो ये आ गया 6x² - 7x - 3।
अब मिडिल टर्म स्प्रेडशीट के फैक्टर करने का प्रयास करेंगे, 3 × 6 = 18। अब 18 कैसे फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस कितना आएगा 7, 9 × 2 = 18। तो ये आ गया हमारे पास में 6x² माइनस 9 माइनस कितना हो गया 2 × x - 3। तो ये हो गया हमारे पास में 6x² माइनस का 9x हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2x हो गया और ये -3। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं, यहां से फर्स्ट टू में से जो कॉमन आ रहा वो कॉमन आया हमारे पास में 3x, क्लियर। 3 × 2 = कितना हो गया 6, तो ये हो गया 2x - 3। ऐसे यहां से जो कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो क्या हो गया प्लस का 1 आ गया और ये हो गया 2x - 3। अब 2x - 3 यहां पे भी है और 2x - 3 यहां पे भी है, फिर हमारे पास में कॉमन आ गया 2x - 3 और यहां पर आ गया हमारे पास में 3x + 1। नाउ अब हमें क्या करना है, इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। जब जीरोज फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, नाउ 2x - 3 = 0। तो यहां से क्या आ गया x की वैल्यू, x = आ गया 3/2। नेक्स्ट ये हो गया 3x + कितना हो गया 1 = 0। तो यहां से आ गया 3x = -1 और x = -1/3। x की वैल्यू यहां से कितनी आई है 3/2 और यहां से x की वैल्यू कितनी आई है -1/3। देयरफॉर इट्स इन की 2 0 4, क्लियर। तो हमने इसके दो जो जीरो माने हैं, एक को अल्फा मान लिया और दूसरे जीरो को हमने बीटा। अब अल्फा की जो वैल्यू आई है वो आ गई 3/2 और जो बीटा है इसकी वैल्यू आ गई -1/3, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज क्या होगा यहां पे अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की जो वैल्यू आई है, अल्फा की वैल्यू आई है 3/2 और जो बीटा की वैल्यू आई है वो आ गई -1/3। तो यहां से जो एलसीएम आया, तो एलसीएम आ गया 6, क्लियर। 2 3 + 6, 3 3 + कितना हो गया 9, माइनस कितना हो गया 2 और 9 - 2 कितना हो गया 7/6। क्या आया यहां से, क्लियर होगी। तो अब इसके बाद में हमें निकालना है कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ x². अब यहां पे एक्स का कोफिशियंट कितना है, माइनस का 7, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस का 7 अपॉन कोफिशियंट ऑफ x², x² का कोफिशियंट क्या हो गया 6। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, तो ये आगे वैल्यू 7/6, क्लियर। अब सम ऑफ जीरोज कितने हैं 7/6 और जो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज कितने होंगे 7/6 एंड माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ x², ये इक्वल आ गया 7/6। अब यहां पे सम ऑफ जीरोज क्लियर होगी एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स सम ऑफ जीरोज ये इक्वल हो गया कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ x², क्लियर है। अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में ये आ गया हमारे पास में 3/2 × कितना हो गया -1/3, क्लियर। तो ये आ गया 3 × -1 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -3/6, क्लियर। ऐसे यहां पे भी क्या हो गया कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास में -3/(x²) 6, क्लियर। अब यहां पे भी जो वैल्यू आ रही है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -3/6, इसके बाद में कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ x², ये भी -3/6 आ रहा है। सो हैंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल हो गया कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ x², क्लियर। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -1/4 एंड 1/4। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल ax² + bx + c। देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया -b/a और ये इक्वल हो गया -1/4।
अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो a इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू 1। आल्सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, क्लियर। हेंस a इक्वल टू कितना हो गया, 4 आ गया, और c इज इक्वल टू 1। सो द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्लियर है। अब इस पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अंदर a, b और c की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब a की वैल्यू कितनी है, 4 है, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, और c की भी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 1 पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वायर प्लस x प्लस कितना हो गया, 1। अगर हम इसके स्टेप्स के अदर पॉलिनोमियल भी बनाने हैं, देन अदर पॉलिनोमियल आर क्या हो गया, k 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, वेयर k इज एनी रियल नंबर्स, कि k के अंदर क्या हो गया, कोई भी रियल नंबर्स पुट कर देंगे और हमें इस तरह के 1, 2, 3 जितने भी पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं उतने बन सकते हैं। यह हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड के अंदर इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4, सो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, सम ऑफ रूट दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया हुआ है, वो भी कितना दिया हुआ है, 1/4। दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में बनेगा, पीएक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस कितना हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्लियर। अब यहाँ पे पीएक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट दिया हुआ है माइनस का 1/4, ये हो गया माइनस का 1/4x प्लस कितना हो गया, 1/4, क्लियर। अब ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस आ गया, तो ये आ गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। तो हमारी इक्वेशन आ गई px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये सेकंड मेथड था इसका।